विरोधी धिर वालों मेरे प्रति प्रगटाया गया यह भरोसा मैनू होर जिम्मेवारी अपने फर्ज निभाने प्रेरित करेगा। मैनू अजिहे भरोसे अते सहयोग की भविख में आस भी रहेगी। मैं प्रेस के सत्कारयोग नुमाइंदों नूं भी अपील करांगा कि वह सदन की कार्रवाई को पूरी जिम्मेवारी पहला भी निभाते रहे हैं ते अगे भी पूरी जिम्मेवारी ते निरपक्षता नाल लोकां तक पहुंचाउणगे। चंगीआं डिबेट डिस्कशन नूं नियमां तहत प्रमुखता नाल छापणगे ताकि लोकां नूं भी पता लग सके कि सदन में किस मुद्दे ते अते किहो जिही बहस हो रही है। स्कूलों कालजों में पढ़ते पंजाब के बच्चों को भी मैं प्रेस के राही संदेश देना चाहता हाँ कि वह भी अपने सिलेबस तो बाहर जाके विधानसभा दीआं डिबेट्स पढ़िया कर सदन की कार्रवाई देखा कर राजपाल प्रक्रिया में हिस्सा बन क्योंकि साढ़े तो बाद साड़िया आने वाली पीढ़ियां ने ही पंजाब को होर तरक्कियां पर लैके जाना है। मेरे सारे सत्कार योग मैंबर साहबान इस मौके पर बधाई देना चाहते हैं। मैं मेरे वालों तुहाडे सारयां दी बधाई कबूल मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ। मन करता कि हरेक को बधाई लवान सुना लेकिन समय की भी सीमा हैगी है। सो मैं हूँ आपका जो धन्यवाद धन्यवाद करा बलिहारी गुरु अपने जो हाड़ी सतवार जिन मानस से देव दिखिए कर रहा की पवार। मैं परम पिता परमात्मा वाहेगुरु का शुकराना अदा करता हूं जिन्हों की अपार कृपा सदका मैनू इस सदन की सेवा करने का मौका मिला। मैं इस मुकद्दस सदन के नेता मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी और सारे सत्कारयोग मैंबर साहबान का दिल दी गहराइयां तों शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने मैनू इस पवित्र सदन के स्पीकर वजों फर्ज निभाउण लई सर्बसम्मति नाल चुने। इस मान सत्कार लई आप सब का धन्यवाद करने मेरे कोल शब्द नहीं है। इस वड्डी जिम्मेवारी नूं निमरता शुक्रगुजारी नाल स्वीकार करदिआं मैं इस सदन के समूह मैंबर साहबान नूं विश्वास दिवाउणा कि मैं स्थापित परंपरावां अते नियमां तहत आप सब दीआं उम्मीदां ते खरा उतरन दी हर संभव कोशिश करां। इस दे नाल ही मैं धन्नवादी हां आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी अते समुची सीनियर लीडरशिप जिहदे विच साडे राजू चड्ढा जी संदीप पाठक जी जिन्होंने पिछे रह के दस्सिया कि किस तरह सेवा होती है जिन्होंने मैनू स्पीकर के उच्च अहुदे लई योग समझिया मैं उन्हां दा धन्नवादी हां। मैनू खुशी है कि इन्हां चोणां दौरान श्री अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत मान जी की करिश्माई लीडरशिप में पंजाब के लोगों ने मुकम्मल विकास जिहड़ा उहदा विश्वास दित्ता है। पहला साडी राजनीति लोगों को वंड के वोटा देनी सी इस बार पंजाब ने यकमुश्त होकर आपका एक मैंडेट दिता। इस बार लोगों के फतवे नाल इस सदन की जो इतिहासिक तस्वीर बनी है ये इतिहासिक तस्वीर है उसनू वेख के मैं कह सकता कि पंजाबियों ने इतिहास सिरजिया है कि आम घरां नाल संबंधित मेहनती हर वर्ग के वर्करां नूं अपने प्रतिनिधियों वजों चुनिया जिन्हां वकील ने डॉक्टर साहबान ने किसान ने मजदूर ने दुकानदार व्यापारी ने ते नौजवान सारे वर्करां लोगों के इस फतवे नाल साडी सारे की जिम्मेदारी वाधा भी होया। पंजाब के लोगों ने इन्हां चोणां विच इनकलाबी फैसले किए हैं और असी खुश किस्मत हाँ जिन्हां ते लोगों ने भरोसा दिता है। इसलिए हुण साडी वारी है अपने सारयां दी वारी है कि असी सारे
अपने निजी स्वार्थां अते पार्टी लीहां तों उपर उठ के लोकां दीआं उम्मीदां ते खरा उतरे। दुनिया के महान साहित्यकार शेक्सपीयर का कहना है अनइजी लाइज द हेड दैट वियर द क्राउन, अर्थात जदों जनता द्वारा किसी इंसान को अपना प्रतिनिधि बना लिया जाता है तो जनता तो आराम ना सो जाती है, पर प्रतिनिधि को सौण वो जो जिम्मेवारी है उस प्रतिनिधि को सौण नहीं दिंदी, क्योंकि रातों को भी जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का एहसास उस बेचैन रखता है। अजिहा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अजिहा एहसास से बेचैनी होना एक सच्चे के कर्मशील प्रतिनिधि की निशानी है। मैं विरोधी धिर के मानयोग मैंबर साहबान का आदि धनवादी हूं जिन्होंने मैं इस सदन के स्पीकर वजो निर्विरोध सर्वसम्मति न चुने। विरोधी धिर वालों मेरे प्रति प्रगटाया गया यह भरोसा मैं होर जिम्मेवारी अपने फर्ज निभाने प्रेरित करेगा। मैं अजिहे भरोसे सहयोग की भविख में आस भी रहेगी जो कि सदन की कार्रवाई को स्थापित परंपरावां अते नियमां अनुसार सुचारू तरीके चलाया जा सके। मैं उम्मीद है कि विरोधी धिर उच्च पार्लीमेंटरी रवायतों की शान अते मजबूती लिए सदन के अंदर डिबेट अते डिस्कशन निग्गर अते निरोए तरीके भाग लवेगी। यह सदन सिर्फ कानून बनाने वाली संस्था नहीं है बल्कि यह सदन सूबे के 3 करोड़ पंजाबियों दी भावनावां दी तर्जमानी भी करता है। इसलिए मैं सत्ता धिर अते विरोधी धिर नूं बेनती करांगा कि असीं मिलके इस पवित्र सदन नूं राजनीतिक संवाद का मंच बनाते हुए होर चंगीआं रवायतां कायम करिए जिसका सुनेहा पूरी दुनिया में जावे ताकि दुनिया के हर कोने में बसते पंजाबी साडे ते माण कर सकन। इस सदन में काफी गिनती अजिहे मैंबर हैं जो पहली बार चुन गया अते ज्यादातर विधायक नौजवान वर्ग की प्रतिनिधता कर रहे हैं। मैं उन्होंने बेनती करता एक विधाता है, विधाता ने तुहानू विधायक होने का माण महसूस किया। मैं इन्होंने सारे चंगे ते खुशियां भरे सियासी जीवन की कामना करता हुआ बेनती करांगा कि तुसी भारतीय संविधान के उपबंधा के नाल नाल इस सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस नूं ध्यान ना पढ़ो, क्योंकि इन्हां नियमां अनुसार यह हाउस ने कामकाज करना। इस मंतव लई जिथे विधानसभा का स्टाफ तुहाडी सहायता लई मौजूद रहेगा उत्थे मेरे दफ्तर अते घर दे बूहे भी तुहाडे लई हर समय खुले रहेंगे। इस तों इलावा इस सदन के अंदर तुहाडा वधिया आचरण ते शिष्टाचार तुहाडी पहचान बणनी, तुहाडे लई पुरानियां डिबेट्स भी पढ़निया जरूरी हैं ताकि हाउस में तुहाडे वल्लों चंगी पेशकारी होवे। इस वास्ते अपनी सीनियर लीडरशिप को मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है और मान साहब वर्गे जिन्होंने कमाल कर दी देश की पार्लीमेंट के विच ते साउथ के लीडर ने तो इन्हों को मार्गदर्शन भी लिया जाए। इस दे नाल ही मैं इस सदन के नौजवान प्रतिनिधियों का ध्यान दुनिया के मशहूर साहित्यकार मिस्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कथन वल दिवाना चाहता हाँ कि अ लाइफ स्पेंट मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉट ओनली मोर ऑनरेबल बट मोर यूजफुल दैन अ लाइफ स्पेंट डूइंग नथिंग। आपां मेहनत करनी चाहिए है, पंजाबियों ने अपने सारे बहुत विश्वास प्रगट किया सानू अपनी मत दे के इस पवित्र सदन के इस अजीम सदन के भेजा है। लोकतंत्र में निरपक्ष आजाद प्रेस का अहम योगदान, मैं प्रेस के सत्कारयोग नुमाइंदे भी अपील करांगा कि वह सदन की कार्रवाई को पूरी जिम्मेवारी का पहला भी निभाते रहे हैं तो अगे भी पूरी जिम्मेवारी की निरपक्षता लोगों तक पहुंचाएंगे अते उसारू सोच को अगे रखते हुए चंगिया डिबेट डिस्कशन को नियमों तहत
प्रमुखता नाल छापणगे ताकि लोगों को भी पता लग सके कि सदन में किस मुद्दे ते अते किहो जिही बहस हो रही है। स्कूलों कालजों में पढ़ते पंजाब के बच्चों को भी मैं प्रेस के राही संदेश देना चाहता हाँ कि वह भी अपने सिलेबस तो बाहर जाके विधानसभा दीआं डिबेट्स पढ़िया कर सदन की कार्रवाई देखा कर अते राजपाल दीआं प्रक्रियाओं में हिस्सा बन क्योंकि साढ़े तो बाद साड़ियां आने वाली पीढ़ियां नहीं पंजाब को होर तरक्कियां पर लैके जाना ते एक नरोए समाज की सिर्जना करनी है एक तंदुरुस्त एक रंगले पंजाब की सिर्जना करनी है। मेरी कोशिश होगी कि मेरे तो पहला इस पदवी से विराजमान रही शख्सियत सरदार कपूर सिंह वर्गिया शख्सियत वालों स्थापित उच्च विधानिक रवायत कदर कीमत ना सिर्फ कायम रखा जाए सगों होर पक्या किया जाए। मैं इस संविधानिक पदवी की जिम्मेवारी अहदे की तरह नहीं सगो एक पवित्र फर्ज की तरह निभाने की कोशिश करा। सत्कारयोग मुख्यमंत्री जी और होर लीडर साहबान जिन्होंने मैनू बधाई देते समय जो कुछ कहा है मैं उन्होंने खरा उतरन की कोशिश भी करा और मैं अपने वालों थोड़ा शुक्र गुजार नहीं है साउथ का शुक्र गुजार नहीं है क्योंकि मालवे को सदन की बतौर सभापति की सेवक सेवा जी तुम्हें बखी है वो पहली बारी हुई है उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा शुक्र गुजार। बाकी सदन दिया कार्रवाई में बेहतर तरीके चलाने लीडर ऑफ हाउस जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आएंगे उन्होंने सारे के सुझावों का मैं हमेशा वही करता रहा। सच्चे पातशाह की अरदास है कि वह मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के आदर्शों से चलते हुए इस माण वाले अहदे दी जिम्मेवारियां निभाने संमत हो। अंत में मैं सदन के नेता मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी साड़ी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी समूह मैंबर साहबान मीडिया के नुमाइंदों का अपने दिल दी गहराइयां तो धन्यवाद करता हाँ आस रखता हाँ कि असी सारे इस पवित्र सदन की माण मर्यादा प्रतिष्ठा को समझते हुए अपने अपने फर्जा बखूबी निभावांगा और मैं अज तो ऐलान करना है कि हुण ये स्पीकर तुहाडे सारयां दा और मैं आप सब तो पूर्ण निर्वर्तन ते सहयोग की आशा करा हां। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हुण मैं सारे माननीय मैंबर साहबान नूं बेनती करता हाँ कि अज 2 बजे बाद दोपहर माननीय राजपाल जी का भाषण है जिस लई असीं मुड़ 1:50 एकत्र होवांगे पर सदन की रेगुलर बैठक कल मिति 22/3/2022 नूं 10 बजे सवेर तक स्थगित हुंदी है। मैं मुड़ दोहरांदा हाँ कि असीं सारयां नूं माननीय राजपाल जी के भाषण लिए इस सदन में आज ही बाद दोपहर 1:50 मुड़ एकत्र होना है। धन्यवाद। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखने दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखने दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी